कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम गाना जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है हरियाली तीज आउटफिट फॉर कान्हा जी, जिसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का नेट फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जितनी भी लेंथ का घेर रखना चाहते हो कान्हा जी का, उससे 1 इंच कम फैब्रिक ले लीजिए। विड्थ आप चुनटों के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो अब हम इसके नीचे फ्रिल ऐड करेंगे। फ्रिल के लिए मैंने ये सेम नेट यूज़ की है। तो ये आप जितना लंबा लोगे उतना अच्छा उसकी फ्रिल बन के आएगी। इसकी लेंथ आप अगर 1 इंच लेंथ कम ली है इस स्ट्रिप की, तो ये 2 इंचज़ की लेंथ का ले लीजिए। इसको कुछ इस तरह से डबल कीजिए, यहाँ पे फ्रिल बना के ऐड कर दीजिए। इस जगह पर पूरे में हम ऑल ओवर फ्रिल बना के कुछ इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। तो ये फ्रिल हमने बना ली है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जितनी आप ये वाली स्ट्रिप लेते हैं, इसकी जितनी विड्थ आप लेते हैं, इसकी जो विड्थ है वो आपको इससे 2.5 गुना लेनी है, तभी ये फ्रिल ठीक से बन पाएगी। अब ये जो स्टिच लगा है इसको छुपाने के लिए मैं ये लेस ले रही हूँ, आप कोई भी लेस ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो हमने ये लेस अटैच कर ली है। अब हम इस स्ट्रिप में, मेन स्ट्रिप जो हमने ली है, उसमें हम कुछ इस तरह से चुनटे डाल के राउंड शेप दे लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये राउंड शेप आ जाएगी जब हम पूरे में चुनटे डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे चुनटे डाल ली, तो ये राउंड शेप हमारे पास बन के आ गई। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है जो हम यहाँ पे अटैच करेंगे फिनिशिंग के लिए। उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और हैवी बनाना है इस ड्रेस को, आप एक और नेट की स्ट्रिप लीजिए इससे हल्की सी कम लेंथ की, और उसकी यहाँ पे मशीन की जो रनिंग स्टिच होती है वो लगाइए। तो इसमें कुछ इस तरह से चुनटे डल जाएंगी, वो स्ट्रिप आप यहाँ पे ऐड कीजिए। तो डबल फ्लेयर जो लेयरिंग हो जाएगी ड्रेस की, उससे ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आप चाहो तो ये कर सकते हो, या फिर ये स्टेप स्किप करके सीधा ये वाली जो स्ट्रिप है ये यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक और फ्रिल ऐड की है, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। फिर मैंने ये स्ट्रिप ऐड करके इसमें डोरी इंसर्ट कर दी। डोरी मैंने सेम नेट फैब्रिक की बनाई है। तो अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए हमने कुछ इस तरह का फैब्रिक लेना है। ये साइज़ आप कान्हा जी का साइज़ जो है वेस्ट देख लीजिए कितने इंचज़ की है, और उनका नेक देख लीजिए। नेक और वेस्ट दोनों के निशान लगा के कुछ इस तरह से कटिंग दे दीजिए। ये 2 फैब्रिक कट करने हैं, जिनको हम आपस में जब जॉइन करेंगे तो ये एक चोली बन जाएगी। इसकी कटिंग कुछ इस तरह की होगी, ये देखिए, ये वेस्ट हो रहेगी और ये नेक रहेगी। हमने इन दोनों को जॉइन कर देना है, देन इनको सीधा करके यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। डिटैचेबल रखना चाहते हो तो एक ऊपर की साइड स्ट्रिप लगेगी और एक नीचे की साइड, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइन करके जो है सीधा कर लिया है। अब हमने यही गोटा लेना है सेम जो यहाँ पे लगाया था, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे और इस साइड पे लगा देंगे। यहाँ पे हम कोई भी डोरी अटैच कर देंगे और फिर ये चोली हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये हमने चोली बना ली है। अब हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे, मिड में, चोली के मिड में भी निशान लगा लेंगे और घेरे के मिड में भी, और दोनों के मिड को मिलाते हुए कुछ इस तरह से इसको अटैच कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये ड्रेस कुछ इस तरह की लग रही है। मैंने इस पे यहाँ पे स्टोन चेन के पैचेस कट करके लगाए हैं। इसके साथ हम फैंटा भी बना लेंगे, जिसके लिए हमने कुछ इस तरह से स्ट्रिप लेनी है और इस तरह से फोल्ड करना है। आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से ये स्ट्रिप ले सकते हैं। इसके हम दोनों साइड पर फ्रिल ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फैंटा भी बनके रेडी है, ये ड्रेस पूरी बनके रेडी है। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।